नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मगर टीवी में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। इस वक्त की अहम खबरों के। टिकारी नगर निगम के वार्ड पार्षद व वार्ड पार्षद प्रतिनिधि ने बताया कि कार्यपालक अभियंता नहीं होने के कारण विकास में बाधा हो रहा है, जिनके कारण वार्ड में विकास संपूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है। साथ ही 76वां स्वतंत्र दिवस को लेकर लोगों ने शुभकामनाएं व रक्षाबंधन पर बधाई दी। स्वतंत्रता दिवस भारत के नागरिकों के लिए अति उत्तम और हर्षोल्लास का एक त्यौहार है। उसको हम लोग मनाने के लिए पूरे देशवासी, जितने भी यहाँ के आबादी है 140 करोड़, सभी उसमें हम लोग सहयोग करते हैं और तत्पर रहते हैं। यह सौभाग्य हम लोग को मिला है कि हम लोग देश के आज़ादी में जन्म लिए हैं। हम लोग गुलामी में जन्म नहीं लिए, देश के आज़ादी में। सर, हिंदू का एक पर्व भी आ रहा है, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन भाई और बहन का पर्व है। हर भाई और बहन कामना एक दूसरे को करते हैं कि बहन भाई हम सुरक्षित रहें, खुशहाल रहें, कि इस पर्व को मनाने में हमको कोई दिक्कत ना हो। सर, अभी जिस तरह से नगर परिषद में कामकाज को देखा जा रहा है, ठप चल रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है, बताएं। नगर परिषद में हम लोग सभी पार्षद नए जीत के आए थे। हमारा एक ही इरादा था सभी पार्षदों का कि हम टेकारी के अधिक से अधिक विकास करें, लेकिन विकास करने के नाम पर हम लोग के पास शून्यता के अलावा कुछ नहीं मिला। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही काम हुआ हम लोग के जीत के आने के 8 महीना में विगत, कि पदाधिकारी को बदली कराया जाए, पदाधिकारी को लाया जाए, पदाधिकारी को चलाया जाए। आज विगत 3 माह से हमारे के यहाँ लेबर स्टाफ का पेमेंट नहीं हुआ है। उसको हम लोग सभी पार्षद थोड़ा थोड़ा सहयोग करके हड़ताल से रोक रहे हैं। अगर पार्षद हम लोग इसका सहयोग करना बंद करें तो कल से हड़ताल हो जाए। यही स्थिति हमारा नगर परिषद। आप लोगों ने इसको लेकर आवाज़ उठाने, हम आवाज़ किसके पास उठाएं? हम लोग नगर उपमुख पार्षद मेरे साथ हैं। उपमुख पार्षद से जहाँ तक संभव हो सका, जहाँ तक बनता है, वो अपना लिखा पढ़ी करते हैं, जाते हैं, लेकिन मुख्य पार्षद के द्वारा निष्क्रियता बरता जा रहा है। उसका परिणाम है कि नगर परिषद टेकारी आज शून्यता की स्थिति में। परिचय, सुभाष कुमार सिंह, वार्ड नंबर 19 पार्षद प्रतिनिधि। पार्षद हैं आप वार्ड के, क्या कुछ कहना चाहेंगे टिकारी की जनता? टिकारी की जनता को कहना चाहेंगे कि अभी तक हमारे यहाँ कोई पदाधिकारी तो हुआ नहीं है, 1.5 महीने से ऐसा ही सीट वैकेंट है। अगर आ जाए तभी कुछ आए काम हो। स्वतंत्रता दिवस है, 76वां स्वतंत्र दिवस। हाँ, हमारा 76वां स्वतंत्रता दिवस है, जो हम सभी देशवासियों को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, खास करके हमारे टिकारी नगर वासियों को भी अपने तरफ से शुभकामनाएं देना चाहते हैं। साथ ही रक्षाबंधन भी आ रहा है, क्या कुछ कहना चाहिए? रक्षाबंधन भाई बहन का प्रेम की एक पर्व है। सभी भाइयों बहनों को कहूँगा कि मिलजुल कर ये पर्व को मनाएं, प्रेम का पर्व है, एक दोनों प्रेम में रहें। क्या हुआ परिचय आपका? मेरा नाम हुआ सागर कुमार, उपमुख पार्षद नगर परिषद टिकारी। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप पूरे वार्ड की जनता को और टिकारी को? जब से जीत का है तब से यहाँ सुनना पड़ा हुआ है, ना कार्यपालक है, कोई मतलब नहीं हो रहा, कोई काम ना रहा, चेयरमैन साहब सर के गत मारे हुए हैं, कैसे टिकारी के विकास होगा भवन जाने। तो वार्ड की जनता आपको जीता के आई है, तो उम्मीद लगाई थी कि वार्ड में विकास होगा? उम्मीद लगाया था पूरा, कोई काम यहाँ हो ना रहा है। आगामी 15 अगस्त आ रहा है, क्या कुछ तैयारी है आपके वार्ड टिकारी वासियों के लिए? शुभकामनाएं हैं। रक्षाबंधन पे क्या कहना चाहेंगे? भाई बहन के प्रभाव है, शुरू से हो रहा है तो हो ही रहेगा। क्या परिचय? उमेश विश्वकर्मा, वार्ड नंबर 12 के प्रतिनिधि। साथ ही रक्षाबंधन है, क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरे टिकारी वासियों? 76वां स्वतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं टिकारी नगर परिषद की ओर से और हम सभी पार्षद प्रतिनिधि की ओर से जनता को शुभकामनाएं देते हैं। और वार्ड के विकास के लिए क्या कुछ कहना चाहिए? वार्ड के विकास के लिए तो यही हो रहा है कि हमारे चेयरमैन साहब जो हैं, हम लोग 41 में से 39 हम लोग सभी मिलजुल कर प्रस्ताव को पास किया, लेकिन उस पर भी एक पर भी काम नहीं हुआ। और चेयरमैन साहब लगातार जो है 400-500 पेज का और कार्यपालक को हटाने का काम केवल करते हैं और विकास के मुद्दे पर कोई काम नहीं करते। कार्य में बाधा हो रही है, वजह क्या है? मुख्य वजह है कि चेयरमैन साहब जो हैं वो अपना ईगो बनाए हुए हैं और एक भी पदाधिकारी को बुलाने का काम नहीं करते हैं। और शायद वो कभी कभी आते हैं, बहुत नगर परिषद पर ध्यान भी नहीं देते हैं और किसी भी तरह का कोई विकास का कार्य उनके दिमाग में नहीं चलता है।
केवल उनके दिमाग में एक ही चीज़ है कि हमारे पास लोग आए, हमको लोग मतलब वो सपोर्ट करें, बस इतना ही चलता है। जबकि हम लोग विपक्ष में भी रह करके भी हम लोग 39 योजना पास किया, जिसमें अभी तक एक भी योजना ज़मीन पे नहीं आया। और उसका मेन कारण है चेयरमैन साहब, जो कि कार्यपालक को बदली कराते रह गए, कभी ये कभी वो झूठ सच करते रहे, कार्यपालक को जवाब देते रहते, कभी SDO के पास, कभी DM के पास, कभी नगर विकास में। कार्यपालक भी बेचैन रहा, कोई काम हम लोग का किया नहीं। क्या हुआ परिचय आपका? मेरा परिचय हुआ वार्ड नंबर 6, हमारे पिताजी वार्ड पार्षद हैं, हम उनका प्रतिनिधि हैं। हमारा नाम शशिकांत कुमार उर्फ गुड्डू। बताएं कि आप अपने वार्ड में अभी तक सरकार का इंडिया है। तो पहले मैं बता दूं कि मैं वार्ड का प्रतिनिधि हूं, मेरी पत्नी वार्ड पार्षद है वार्ड संख्या 15 की। और हमारे वार्ड में जो मुख्य समस्या था, हमारे वार्ड में बहुत पुराना एक गबड़ा था, उस गबड़े की उड़ाई के लिए हमने सरकार को लिखा है और सरकार के द्वारा लेटर वहाँ से विभागीय स्तर पर DDC सर को आ चुका है, वहाँ से भी आदेश प्राप्त होकर और कार्यालय को मिल चुका है। तो वो सबसे मेरा उपलब्धि है कि वो काय वहाँ करवाएंगे, गबड़े की उड़ाई और सुंदरीकरण होगा हमारे, चूँकि हमारा वार्ड जो है वो शहर के बीचों बीच है, ठीक है। और उसके अतिरिक्त जो काम है तो वो तो होता ही रहेगा, नाली गली बनते रहेगा। मुख्य जो अभी समस्या हमारे शहर में है कि हमारे यहाँ कार्यपालक पदाधिकारी का पदस्थापन नहीं हुआ है। तो इस बार कार्यपालक पदाधिकारी जो अभी आए भी हैं, उनको वित्तीय व्यवहार नहीं दिया गया है, ठीक है। तो जबकि रूटीन वर्क के लिए उनको यहाँ लाया गया है DM साहब के आदेश पर, और वित्तीय अधिकार नहीं दिया गया। तो वित्तीय अधिकार जब तक नहीं दिया जाएगा, तब तक शहर का विकास कहीं से भी संभव नहीं है। अब मैं बता दूं कि लगभग 3 से 4 माह हो चुके हैं, शहर के सफाई कर्मी का वेतन भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। तो समझ लीजिए कि शहर की स्थिति क्या कारण से वेतन भुगतान नहीं हुआ है। वही बताए, हमारे यहाँ कार्यपालक पदाधिकारी का पदस्थापन नहीं है, जबकि वित्तीय अधिकार पूरा पूरा कार्यपालक पदाधिकारी को होता है, स्कोडी ऑफिसर के पास होता है। पूर्व में प्राइवेटकरण था क्या? प्राइवेटीकरण का जो मामला है ना, वो देखिए वो विभागीय स्तर पे होता है, विभाग से वहाँ लेटर प्राप्त है। प्रत्येक नगर निकाय को आपको सफाई जो है वो NGO के तहत करवाना है, ताकि क्लियरेंस बना हुआ रहे, ठीक है। तो वो विभागीय स्तर पर तो हो रहा था, लेकिन उसका एग्रीमेंट कैंसिल होने के बाद अभी जो है विभागीय स्तर पर कार्रवाई हो रहा है, सफाई हो रही है, लेकिन विभागीय स्तर पर काम होने के बाद 3 से 4 माह बीत चुके हैं और सफाई कर्मियों को भुगतान अभी तक नहीं किया गया। ये दुर्भाग्य की बात है। आने वाले स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन पे आप अपने वार्ड और जिले के लोगों को क्या संदेश देंगे? अपने नगर के क्षेत्र को भाई यही कहेंगे कि इस स्वतंत्रता दिवस में कुछ अलग सोच रखें और अपने देश को कैसे आगे लेके चलें, अपने सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस पर्व को मनाएं और हमेशा एक अलग तरीके से अपने शहर को देखें और अपने लोगों को देखें। परिचय, मेरा नाम अमित वर्मा है, मैं यहाँ पूर्व वाइस चेयरमैन था, अभी मेरी पत्नी यहाँ पार्षद जीती हुई है, सोनीदेवी वार्ड संख्या 15 से।